सूरत के हजीरा गांव में हिंदुत्ववादी दहशत गर्दों की जानिब से मस्जिद की तौहीन और नमाजियों को रोकने का मामला आया सामने, जिसकी वीडियो भी हो रही है ट्विटर पर वायरल। जुमा के दिन शरपसंद मस्जिद में जूते और चप्पल पहनकर हो गए थे दाखिल। हंगामा करते हुए मुसलमानों को इबादत करने से रोका और दूसरी बार इस जगह पर इबादत न करने की दी धमकी। 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के चलते इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर लगाई पाबंदी। इंतखाबी रैलियों पर लगाई गई पाबंदी में 31 जनवरी तक कर दी गई तौसी। सियासी पार्टियों को इसमें सिर्फ वर्चुअल रैलियां करने की दी गई इजाजत, लेकिन पहले और दूसरे मरहले के इंतखाबात के पेश नजर दी गई कुछ नरमी। रिलायंस जियो मुल्क के 1000 शहरों में 5G लॉन्च की कर रहा है तैयारी। कंपनी अपने 5G नेटवर्क पर हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की कर रही है टेस्ट। कंपनी ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुटी। डेटा के ज्यादा खपत के लिए 3D मैप्स और रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी का कर रही है इस्तेमाल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ किया इत्तेहाद का ऐलान। ओवैसी ने कहा, अगर इत्तेहाद इख्तदार में आया तो यूपी में दो वज़राए आला होंगे, एक ओबीसी से दूसरा दलित तबके से होगा। इसके अलावा 3 नायब वज़राए आला मुकर्रर किए जाएंगे, जिनमें से एक होगा मुस्लिम तबके से। क्लब हाउस ऐप बनाकर खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने के मामले में 3 मुलजिमान गिरफ्तार। दिल्ली और मुंबई पुलिस कर रही है इस मामले में तहकीकात। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लखनऊ में बिस्मिल्ला नाम से आईडी चलाने वाले राहुल कपूर नामी शख्स को किया गया ट्रैक। पूछगछ में इसने एतराफ किया कि उसने क्लब हाउस में ऑडियो चैट रूम बनाकर किसी दूसरे को सौंप दिया था कंट्रोल। CAA कानून मुखालिफ एहतजाज को 2 साल मुकम्मल। उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2019 में मुजाहरे के दौरान तशद्दुद में तकरीबन 22 लोगों की चली गई थी जान। योगी सरकार की जानिब से मुजाहरे के दौरान सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने वाले 500 लोगों की जायदाद उसूल के भेजे गए थे नोटिस। नोटिस में जायदाद की कीमत, इल्जाम और जिम्मेदार का किया गया था तायुन। तृणमूल कांग्रेस ने एतराफ किया कि ममता बनर्जी ने गोवा असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से किया था राबता, मगर सोनिया गांधी ने पार्टी लीडरों से बात करके कुछ बोलेंगी कहकर टाल दी बात। कई दिन गुजर जाने के बावजूद गोवा में इत्तेहाद को लेकर नहीं दिया कोई जवाब। ममता बनर्जी के नेशनल पॉलिटिक्स में कदम रखने के बाद से ही कांग्रेस और तृणमूल के दरमियान शुरू हुई तलखी। समझा जाता है कि गोरखपुर सीट पर हार और जीत का फैसला गोरखनाथ मंदिर है करता। यहां से वजीर आला योगी आदित्यनाथ खुद बीजेपी के हैं उम्मीदवार। अब योगी की तंजीम हिंदू युवा वाहिनी भी पहले की तरह नहीं रही फ़ाल। शोभावती शुक्ला भी बीजेपी पर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए साइकिल पर हो चुकी हैं सवार। बेंगलुरु BBMP के अफसरान के मुताबिक 15 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल होते ही मार्च से 12 तक 14 साल की उम्र के 6 लाख बच्चों की टीका साजी का करेंगे काम शुरू। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान में मार्च से 12 तक 14 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन हो सकती है शुरू। कोविन डैशबोर्ड के मुताबिक रियासत में 15 तक 18 साल के 20,67,000 से ज्यादा बच्चों को दी जा चुकी है वैक्सीन। रियासती वजीर बराए सेहत के सुधाकर ने खबरदार किया कि डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। गरीब खानदानों को मुआवजा तकसीम करने मुनाकिद प्रोग्राम में चेक तकसीम करते हुए दी वार्निंग और कहा कि रियासत भर में डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर कर रहे हैं अवाम की खिदमत, लेकिन उन पर हमलों की वारदातें पेश आ रही हैं जो हैं नाकाबिले कबूल।